माई किचन, सबसे पहले मैं आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। तो उस ओकेजन पे हम बनाएंगे आज तिरंगा सैंडविच, जो झटपट से बन जाता है, और इसके साथ मैं तिरंगा तीन कलर का सैलड भी आपको बनाना बताऊँगी। अगर आप गेट टुगेदर कर रहे हैं, घर में छोटी सी पार्टी कर रहे हैं, तो बड़े इजी और बड़े अच्छे ये स्नैक्स आपको बता रही हूँ, तो जो झटपट से बन जाते हैं, उसके लिए चीज़ें घर में सब मिल जाती हैं। इसलिए मैं ये देखो क्या क्या चीज़ें ली हैं। सबसे पहले मैंने ये जो ब्रेड ली है, हमने मैं आपको ये बता रही हूँ, दो सैंडविच बनाऊँगी। इसे तीन ब्रेड पीस लिए, और मेयोनीज लिए, ग्रेटेड पनीर लिए, और मैंने गाजर लिए ग्रेटेड, और खीरा, इसके लिए टमाटो सॉस, हरी चटनी, और थोड़ा सा चाट मसाला, और थोड़ा सा बटर लगाएंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ये जो हमारे पास ब्रेड है, इसकी साइडें हम काट लेते हैं। ब्रेड के एजेस मैंने काट लिए हैं, ये हमने रख दिए हैं। इसके आप ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मिक्सिंग इसके लिए बनाते हैं, फिलिंग को बनानी है। सबसे पहले हम लेंगे ग्रीन चटनी, एक से दो चम्मच इसमें ग्रीन चटनी डालेंगे। इसमें हम कलर के लिए थोड़ा सा, इसमें नमक है तो नमक नहीं डाल रहे चटनी में, हम ये खीरा कद्दूकस करके रखा हुआ है वो डाल देंगे। ये हमारी ग्रीन फिलिंग बन गई, ग्रीन अपनी फिलिंग तैयार कर लिए। तो अब हमें ये टमाटो सॉस ले रहे हैं, हम ऑरेंज बनाएंगे इसमें। इसमें थोड़ी सी हम गाजर डालेंगे ग्रेटेड, थोड़ा सा इसमें पनीर डाल देंगे ग्रेटेड किया हुआ, इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देते हैं। हमारी दूसरी फिलिंग तैयार होगी, हम तीसरी फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा पनीर ग्रेटेड, और ये हमारे पास मेयोनीज है, एक से दो चम्मच मेयोनीज ले लेंगे। इसमें भी थोड़ा नमक होता है, लेकिन थोड़ा सा हम चाट मसाला इसमें डाल देंगे। ये हमारी तीनों फिलिंग्स तैयार हो गई हैं, अब हम सैंडविच तैयार करते हैं। हमारे तीन कलर की फिलिंग तैयार है, तो ब्रेड भी हमने एजेस काट के तैयार कर लिए। अब हम क्या करेंगे, पहले इनको पीस में थोड़ा थोड़ा बटर लगाएंगे, तीन पीस चाहिए हमारे को। तीन पीस में बटर लगा के फिर मैं आपको दिखाऊंगा। बटर लगा लिया, सबसे पहले हम ग्रीन चटनी इसमें, यानी कि ग्रीन वाली फिलिंग चटनी वाली लगाएंगे इसमें। इसमें हमने ग्रेटेड खीरा भी डाला हुआ है, ये हमने लगा दिए इसके ऊपर ये चटनी। अब हम एक पीस जो दूसरा वो बटर वाली साइड यहाँ लगाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे। ये मेरे पास एगलेस मेयोनीज है, इसमें हमने पनीर ग्रेट करके डाला है। आप सिर्फ इसमें मेयोनीज भी लगा सकते हैं, और इसमें आप दही भी लगा सकते हैं, हैंग कर्ड जो होता है वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। इस वाला फिलिंग लगा दिए, और फिर ये हम इसको रख देते हैं यहाँ पर। अब इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा और बटर लगाते हैं इसके ऊपर, अब हम ये जो अपने बस टमाटो सॉस और पनीर की फिलिंग थी वो हम लगा देंगे इसमें। ये भी लगा दिए टमाटो सॉस वाली भी, अब फिर इसको इससे कवर कर देते हैं और अच्छी तरह से इसको दबा लेते हैं। आप इसको सेक भी सकते हैं ग्रिल में, ग्रिल पैन में भी, तवे में भी, लेकिन मैं ऐसा चीज़ रखूँगी। ये देखिए हमारा बिल्कुल तैयार है, हम इसको कट करेंगे। अब हम इसको कट करेंगे, एक टूथपिक लेंगे, एक साइड में इसको यहाँ लगा देंगे कॉर्नर में, और एक इधर कॉर्नर में लगा देंगे, ताकि ये फिक्स रहे। हम ट्रायंगल में इसको काटेंगे, तो अब ज़्यादा जोर नहीं लगाना, प्रेस करके धीरे धीरे इसको क्या। हमने काट लिए हैं अपने सैंडविच, आप इसके कलर देख सकते हैं। ये देखिए इसको डिश आउट करते हैं, वैसे ही बना सकते हैं सारे।
अब मैं आपको इसके साथ सैलेड जो हम सर्व करेंगे वो बता रही हूँ। तिरंगा सैलेड बनाना बता रही हूँ आपको, जिसके लिए मैंने लिया एक खीरा लिया जो मैंने गोल स्लाइसेस में काट लिया, ये देखिए, और एक गाजर लिया ऑरेंज कलर की, उसको भी ये गोल स्लाइस में काट लिया, और ये पनीर लिया, इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया। खीरे के हमने छिलके नहीं उतारने हैं क्योंकि इसका कलर चाहिए हमारे को ग्रीन, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से धो के हमने काटा है, तो अब इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे इन चीज़ों में। और इसके लिए हमें चाहिए टूथपिक चाहिए, ये देखिए हमें टूथपिक लेते हैं। पहले मैं आपको बता दी कैसे हमने इसको करना है। टूथपिक लिया हमने, पहले हम इसमें ग्रीन कलर डालेंगे, यानी कि हमारे कुकम्बर डालेंगे, एक से दो पीस इसमें आएंगे, और इसमें एक पनीर का पीस डालेंगे, और ये हम गाजर डालेंगे इसमें। देखिए हमने टूथपिक में ये डाल दिए, हमने एक पीस डाला, पहले दो डाले थे उसमें आ नहीं रही, मतलब छोटी है टूथपिक, तो इसी प्रकार में ये सारे तिरंगा अपना सैलेड बनाना बता रही हूँ आपको, बना लेते हैं। अब हम इसमें पहले एक पीस डालेंगे ये, फिर हम एक पनीर डालेंगे, और एक हम गाजर डालेंगे। देखिए हमने बना लिया, इसी प्रकार मैं सारे बना के तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको क्या हमारा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल तिरंगा सैलेड और हमारा सैंडविच बनकर तैयार है। तो आप भी इस इंडिपेंडेंस डे पे बनाइए, और आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा, सब अप्रिशिएट करेंगे आपके लिए। और इसमें मैंने ऐसा ऐसे ही रख दिया, इसमें टूथपिक नहीं लगाई, आप इसमें भी लगा सकते हैं। बनाइएगा ज़रूर इस इंडिपेंडेंट डे पे, डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएंगे। सिंपल और सोवर रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।